हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी गोना डिस्कस ट्रेड सेटअप फॉर टुमारो, दैट इज 7th सितंबर। दिस विल बी एपिसोड नंबर 31। वी विल स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी में देखते हैं, दिस इज अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम निफ्टी में, और एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जिसको इसने 3-4 बार एक्सपेक्ट किया और फोर्थ टाइम इट्स टुडेज लो इज अराउंड सिमिलर लेवल। और यहाँ पे गैप है, जो गैप ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स से रह गया, 5-10 पॉइंट्स से रह गया गैप फिल होना, ऑलमोस्ट वी कैन से कि ये फिल हो चुका है। सो दिस ट्रेंड लाइन इज अ वेरी क्रूशियल फॉर टुमारो सेटअप। ये एक सपोर्ट जोन है, फर्स्ट सपोर्ट इज इन इस ट्रेंड लाइन जो हमारा 350 के रेंज के आसपास आ रहा है, 350 का जोन जो आज का लो भी था। और दूसरा ये गैप फिलिंग वाला पार्ट है, दैट कम्स अराउंड 310-300। तो बेसिकली अगर हम इफ यू सी ओवरऑल पिक्चर, तो 300 इज अ क्रूशियल फॉर अस निफ्टी फॉर अपसाइड फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, नॉट अ लॉन्ग टर्म। आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म, जो अगले 4-5 दिन के लिए इफेक्ट हो सकता है। तो आवर क्रूशियल सपोर्ट विल बी अराउंड निफ्टी ऑन आवरली कैंडल बेसिस और 15 मिनट्स बिलो, या आवरली बोल सकते हैं हम इसको, कि 300 के ऊपर जब तक है देन इट कैन वेरी वेल मूव टूवर्ड्स 17,500-16 लेवल। हमारा जो 17,400 का टारगेट था, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने मेंशन किया था, वो आप देख सकते हो, उसमें मेंशन था 17,400-600 का टारगेट, वो आज अचीव हो गया 400 का, 600 का पेंडिंग है अभी भी। सो जब तक ये निफ्टी 17,300 के ऊपर है, इट कैन वेरी वेल गो टूवर्ड 17,500-600 का लेवल। लेट्स सी, अब हमारे पास अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें कैसा पिक्चर बनता है। इन डेली टाइम फ्रेम देयर इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट इट हैज मेड टुडे। जस्ट अ सेक, लेट मी ग्रीप दिस वन। ओके, तो आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है निफ्टी में, इट्स वी कैन से इट्स, अगर कल एक बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, देन इट्स कॉल्ड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट इज बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पे फिर फर्दर सेल ऑफ आ सकता है इनकेस अगर कल गैप डाउन होके या फ्लैट ओपन होके नीचे बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, तो एक्सपायरी विल बी ऑन डाउन साइड, राइट। अदरवाइज वी कैन से इट्स अ स्पिनिंग टॉप ऑल्सो, बट इट्स अ स्टार काइंड ऑफ कैंडल पैटर्न बना है यहाँ पे, जो न्यूट्रल अभी है। कल का कैंडल जैसा फॉर्म होगा उस हिसाब से फिर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा, कि कल का कैंडलस्टिक पैटर्न जो होगा वो डिसाइड करेगा कैसे हमें नीचे ही जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। अगर हम इसमें ऑप्शन चेन की बात करें निफ्टी की, तो दिस इज द ओनली सपोर्ट आई कैन सी दैट इज ऑफ 17,300। इनकेस गैप डाउन ओपनिंग की वजह से या किसी वजह से अगर ये ब्रीच होता है और सस्टेन होता है, देन वी कैन अज्यूम कि यहाँ पे फिर कॉल राइट्स एग्रेसिव हो जाएंगे बहुत ज़्यादा और यहाँ पे फर्दर सेल ऑफ वी कैन सी। बट एज ऑफ नाउ हमारे लिए जो रेंज बन के आ रहा है वो 17,300-17,500, ये 200 पॉइंट के रेंज में निफ्टी इस एक्सपायरी में, एज ऑफ टूडे हमें ऐसा लग रहा है कि इस एक्सपायरी में ये रेंज प्ले आउट हो सकता है, अनटिल अनलेस इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, राइट। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे ऑलरेडी टाइम फ्रेम में, दिस इज द रेंज, ये अपसाइड रेंज था जिसको ब्रेकआउट किया, दिस ब्रेकआउट रीटेस्ट अगेन ब्रेकआउट रीटेस्ट। अगर हम शॉर्ट टर्म में बात कर सकते हैं तो नॉट एग्जैक्टली, बट एक ऐसा कुछ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, जो ये अगर ये लेवल जो है मोर प्रिसाइसली अगर हम बात करें तो 36,500-450 ये एक लेवल है जिसके ब्रीच करता है और जहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी आ रहा है शॉर्ट टर्म का। अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आ जाएं, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो ये समवेयर आ रहा है आप अराउंड आपका आ रहा है 15,500-400 वाला जोन, ये ब्रीच होता है तो फिर ये नीचे के लेवल ओपन हो जाएंगे, दैट इज 35,700 का लेवल। तो यहाँ पे फॉल थोड़ा सा सीवियर हो सकता है, ये फॉल हुआ तो निफ्टी भी फॉल होना है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्रूशियल निफ्टी भी सपोर्ट जोन के आसपास है 17,300, बैंक निफ्टी का 36,500 के आसपास, 400 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। अगर हम ऑप्शन चेन में देखें, ऑप्शन चेन में भी सिमिलर 36,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो ब्रीच होने के बाद सस्टेन होने के बाद हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी, जो बुल्स हैं उनके लिए मुश्किल थोड़ी सी बढ़ सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, और यहाँ पे एग्रेसिव पुट राइट कॉल राइटिंग हो सकती है यहाँ पे अगर कल ऐसा कुछ दिखता है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो टिल देन हमारे लिए जो रेंज निकल के आ रहा है वो 500 पॉइंट्स का रेंज है, 36,500-37,000। इधर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम 37,000 जो बोल रहे हैं तो हम प्लस माइनस 50-100 पॉइंट्स रख सकते हैं एज अ बफर, राइट। हम कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आज इंडिया मार्ट हमने
जब मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था, आवर फर्स्ट टारगेट वाज दिस, उसके बाद से सी दिस ह्यूज मूव यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ, और टुडेज वॉल्यूम इज वेरी गुड। तो अब हमारे पास फॉलोइंग बाइंग आ सकती है, जो हमारा फर्स्ट टारगेट था यहाँ पे 8900 के आसपास, वो अचीव होकर 9000 का आज का हाई बनाया समवेयर, एंड 9130 का हाई बनाया आज उसने। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट आ रहा है 9450 to 60, देन उसके ऊपर 9900 to 1000, ये लेवल ओपन ऊपर है जिस हिसाब से वॉल्यूम जनरेटर, एनी डिप शुड बी बॉट ओवर हेयर। यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में आने की उम्मीद है। नेक्स्ट स्टॉक इज एस्कॉर्ट्स। जब मैंने एस्कॉर्ट्स दिया था, शेयर किया था, तो समवेयर यहाँ पे था 1290-1300 के आसपास था ऑलमोस्ट। आप हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वहां से थोड़ा सा कुछ पॉइंट नीचे से रिवर्स हो गया था, देन अगेन ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट किया, अगेन पुल बैक स्ट्रॉन्ग, और जो स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया वॉल्यूम भी किकिंग हो रहा है। तो हमारे पास जो अब निकल के आ रहा है अराउंड 1400 के ऊपर अगर निकलता है, आज का डे का हाई इज अराउंड 1390, जो भी है डे हाई के ऊपर मैं 10 पॉइंट्स बफर रख रहा हूँ, राउंड फिगर नंबर 1400 के ऊपर निकलता है तो अगेन 50-60 पॉइंट्स का आराम से टारगेट आएगा विद इन डे और टू, और ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर आई एम एक्सपेक्टिंग एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म हुआ 1400-1450-60 आने के बाद, एक अगेन एक हैंडल पार्ट फॉर्म होगा और देन एक फिर मैसिव टर्न अराउंड होगा इसमें एस्कॉर्ट्स में, राइट। वोल्टास की बात करते हैं। वोल्टास में जब मैंने बात की तब ये ट्रेंड लाइन के आसपास था, ब्रेकआउट दिया, एक दिन हॉल्ट, फिर अगेन ब्रेकआउट। अब वोल्टास का चार्ट अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो अगर जिसका पोजिशनल व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो ये स्टॉक पक्का अपने डार में रखना आप लोग। सी दिस लास्ट 4-5 डेज जब ये अपमूव आया तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया, वॉल्यूम्स इसमें सपोर्टिव थे। दिस द लॉन्ग रेंज कंसोलिडेशन, ये रेंज स्टार्ट हुआ था समवेयर अराउंड फेब में, फेब से लेके दिस सेप्टेम्बर स्टार्ट हो गया है, ये 5-6 महीने का आपका ये रेंज में ये कंसोलिडेट किया है। अब ब्रेकआउट देने की उम्मीद है, जो इस लेवल पे 1130 के ऊपर आ सकता है, 1130-1140 के ऊपर आपका ब्रेकआउट जोन बनता है, 1150 अगर राउंड फिगर लेके हम उसको। तो नाउ आई विल शो यू मंथली चार्ट, दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ वोल्टास। मार्च लो के बाद दिस हैमर फॉर्म, 4 मई को जो ये मंथली मे मंथ का जो मंथ है उसके अंदर एक हैमर फॉर्म हुआ, हैमर के बाद बाइंग आई, एक भी रेड कैंडल नहीं बना, नॉट अ सिंगल मंथली रेड कैंडल फॉर्म। उसके बाद जो ये फेब मंथ का कैंडल था, दिस इज द मास्टर कैंडल, इसके अंदर इतना साइड रेंज ट्रेडिंग हुई, ठीक है। अगर जब कभी भी ये 1130-1150 का रेंज ब्रेक करके सस्टेन करता है वोल्टास, तो आपका टारगेट आप सोच सकते हो, यहाँ से अगर आप मान के चले 500-1100, अगर हम राउंड फिगर लेके चलते हैं, ज़्यादा नहीं, हम प्लस माइनस 30-40 पॉइंट्स बफर अगर हम माइनस भी कर दें, तो टारगेट विल बी समवेयर अराउंड 600 पॉइंट्स। तो 1150 + 600 पॉइंट्स, दैट इज 1750 का टारगेट निकल के आता है रफली। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 1750-1800 का जोन जो है वोल्टास में आ सकता है शॉर्ट पीरियड में, विद इन अ पीरियड ऑफ 6-8 मंथ्स का। तो ये अच्छा खासा सेटअप दिख रहा है वोल्टास का, एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेशन आ सकता है इसमें। अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है, इट्स स्टिल अवेटेड। 11-1150 के ऊपर कुछ निकलता है तो हम अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट देख सकते हैं। सिमिलर हमने पहले भी डिस्कस किया था इंफ्रा स्टॉक्स का, हमने ओबरा रियल्टी, शोभा, इन सब में ब्रेकआउट आते देखा। अब नाउ इट्स टॉप ऑफ पोल्टे पाटिल का, इस अच्छा सा रेंज ब्रेकआउट दिया, हमने पहले भी डिस्कस किया, हमारा इंफ्रा सेक्टर का जो हमने एनालिसिस की थी, लिंक शेयर मिल जाएगा लास्ट मिनट में आपको। तो इसने अच्छा खासा क्लोजिंग भी दिया है, वीकली क्लोजिंग मिल रहा है अभी, दिस वीक क्लोजिंग पिछले वीक के ऊपर हुआ है आज, और ब्रेकआउट आया, सस्टेन किया है। अगर वी पुट ऑन वॉल्यूम, सी वॉल्यूम्स, तो अब हमारे लिए जो लेवल ओपन होके आ रहे हैं कोल्टे पाटिल का, इट्स अराउंड समवेयर अराउंड फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 3020, देन अराउंड 3050-60, देन 400। अल्टीमेटली 400 की तरफ ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, एनी डिप टुवर्ड्स दिस ट्रेंड लाइन इज अ बाय, एंड देन हमारा टारगेट विल बी 400, अल्टीमेट टारगेट 400-410 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा इन कोल्टे पाटिल। LTP इज 298, वी कैन एक्सपेक्ट 300। ओके, नेक्स्ट इज डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप इज लुकिंग सुपर्ब ऑन चार्ट्स, आप इसका वीकली चार्ट देख रहे हैं अभी, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जिसको इसने रिस्पेक्ट किया है, और जो लास्ट में जो बिग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, इट्स अ वाइड रेंज बुलिश कैंडल,
विद वॉल्यूम्स और ये सपोर्टिव वॉल्यूम और कैंडल फॉर्म हो रहा है, दिस इज अ वीकली चार्ट। अगर ये निकलता है, दिस लेवल इज 22 एलटीपी के आसपास का ही है, 222 है जो रेजिस्टेंस लेवल है, आई मैं अज्यूम 230 के ऊपर निकलता है एनी कैंडल क्लोजेस अबाउट 230, देन स्टेट फॉर टारगेट विल बी 280-285 वाला 300 का जोन, और उसके ऊपर आपके पास टारगेट आ जाएगा 350-380 वाला लेवल। तो जब ये मूव कर रहा है और रेंज ब्रेक कर रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट कमिंग वेरी सून इन दिस डेल्टा कॉप, राइट। नेक्स्ट इज जेबी केमिकल्स, एक अच्छा स्टॉक है। एक रेंज फॉल आने के बाद हॉल्ट किया दिस रेंज, एक अगर हम ये कैंडल देखें, दिस कैंडल इज ऑफ 23rd अगस्त, उसके बाद से ये रेंज में अटक गया। नाउ इट्स वॉल्यूम इज बिट किकिंग इन और यहाँ पे वाइड रेंज कैंडल भी फॉर्म हुआ। अगर ये स्टॉक 1780 के ऊपर कुछ भी सस्टेन करता है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ लेवल ऑफ 1930-1950 का लेवल ओपन अप हो जाएगा इन जेबी केमिकल्स। लास्ट स्टॉक इज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। इसमें एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, दिस इज सपोर्ट रेंज, दिस इज द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के आसपास कहीं से रिजेक्शन आया और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया। दिस कैंडल ने एंगल्फ कर लिया पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस के कैंडल्स को, ऑलमोस्ट एंगल्फ कर लिया है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा गया है। इस कैंडल को लो ब्रीच होने के साथ साथ आई एम एक्सपेक्टिंग कि लोअर चैनल के लोअर एंड तक आएगा। दिस लोअर एंड इज अराउंड 1470-450 का लेवल, आराम से ओपन अप हो जा रहा है। LTP इज 1563, तो मतलब नीचे 90-100 points का लेवल ओपन अप हो जा रहा है, हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस ये रहेगा, राइट। दैट्स इज फॉर टुडे, होप यू लाइक अवर वीडियो, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच।